नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच पर जिसका नाम है क्लास 24 आपनों राजस्थान। और प्यारे बच्चों, ईओ आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सब की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। होली का पर्व चल रहा है लेकिन उसके बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति आप डेडिकेटेड हो। और एक कमेंट बार बार आप लोग बच्चे कर रहे हो कि सर पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, सर बाकी सब तो चंगा है, राज व्यवस्था कैसे करें। तो उसके लिए आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है, पॉलिटी हमें कहां से पढ़नी है, पॉलिटी की रणनीति क्या होगी और हम आपके लिए पॉलिटी में क्या करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज का ये थंबनेल आप देख गए होंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईओ आरओ एग्जाम कैसे करें पॉलिटी की तैयारी, ठीक है, एनालिसिस। और इसको लेकर आया हूं मैं आपका दोस्त अंकुर पारिक। सबसे पहले बेटा सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। ईओ आरओ एग्जाम के अंदर पॉलिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। पॉलिटी के सिलेबस को देखिए, इन्होंने खुद ने चार भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है वो है भारतीय संविधान का दार्शनिक तत्व, ठीक है, फिलोसॉफिकल इश्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आएगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक ऐसी सभा जिसने हमारा संविधान निर्माण करा था। उसके बाद में है भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में है संवैधानिक संशोधन। उसके बाद में है बेटा आपके उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या था है पहला चैप्टर। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर बेटा आपके है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्अवलोकन, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखाकार, परीक्षक, नीति आयोग, सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण। भाई साहब, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी जो आपके आईएएस के सिलेबस में है, आरएस के सिलेबस में है, एज इट इज दे दी है, उससे भी पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने दे दिया राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंदर टाबरो टिंगरो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राजस्थान विधानसभा है, उच्च न्यायालय है। तत्पश्चात हम देखते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। उसके बाद में संस्थाएं हैं जैसे आरपीएससी हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। और अंतिम टॉपिक है, ये टॉपिक हर एग्जाम में होता है, जूनियर अकाउंटेंट में भी है, आरएस में भी है, लेकिन इनसे प्रश्न न के बराबर पूछते हैं, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो कुल मिलाकर बेटा ये आपका पूरा का पूरा पॉलिटी का जुगाड़ है, ठीक है। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ मन में उठने वाले प्रश्नों की, ठीक है, मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, आया होगा कि सर पॉलिटी का वेटेज क्या होगा या पॉलिटी से कितने प्रश्न आएंगे, पॉलिटी से कितने प्रश्न आएंगे। तो बेटा मेरा मानना यह है कि आपके पार्ट ए के अंदर चार सेगमेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, 80 नंबर के हैं, तो मोटे मोटे तौर पर 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। कम से कम 20 प्रश्न तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे पॉलिटी से। अगर इन 20 प्रश्नों का अपन वर्गीकरण करें, चूंकि राजस्थान की सरकार, आरपीएससी, सबकी मंशा है कि सरकारी नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा
राजस्थान के बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, तो मेरा मानना है कि 12 से 13 प्रश्न तो आपके आएंगे राजस्थान पॉलिटी के, ठीक है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि ये गलत हो जाए, 12 से 13 नंबर तो राजस्थान की पॉलिटी के आएंगे और 6 से 7 नंबर, ठीक है, 6 से 7 प्रश्न आपके इंडियन पॉलिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। इन 12 से 13 के अंदर करंट अफेयर भी शामिल है, ये मेरा मानना है। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है इक्वल वेटेज हो, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडियन पॉलिटी से ज़्यादा राजस्थान पॉलिटी पर एग्जामिनर का कंसंट्रेशन रहेगा। अब आपके मन में आता है, सर पढ़ना कहाँ से है, एग्जाम के अंदर सोर्स क्या है? तो बेटा इसके लिए दोनों चीजें अलग अलग है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी के लिए क्या कराया जाए और फिर आपको बताया जाएगा राजस्थान पॉलिटी के लिए क्या किया जाए। देखो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको मेरे हिसाब से किसी भी एक अच्छी बुक को पढ़ना होगा। सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है वो किसी अच्छी बुक से, किसी अच्छे सोर्स से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा सोर्स मतलब क्या हो गया, मैं जिस किताब को अच्छा मानता हूँ, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एक किताब आती है बेटा एम लक्ष्मीकांत, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो परेशान मत होना, मेरे हिसाब से एम लक्ष्मीकांत किताब आप पढ़ लीजिए। जो अगर आपने किसी भी लेवल पर पहले पॉलिटी पढ़ी है, सिर्फ घास काटने से काम नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाता है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अपना एग्जाम का लेवल ध्यान रखो, आरएस लेवल का पेपर है, ठीक है, गलती की इस गुंजाइश नहीं रखनी है। अच्छी किताब से पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और उसके साथ में आपको विभिन्न जो पीसीएस एग्जाम, पीसीएस या आईएएस एग्जाम के अंदर जो आपके टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। इसके लिए भी मैं आपको एक किताब बताता हूँ, घटना चक्र। इसके लिए मैं एक किताब आपको बताता हूँ, घटना चक्र, पॉलिटी की लेके आ जाओ। संविधान सभा पढ़ लिया, संविधान सभा में जितने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों के अलग अलग पीसीएस से जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर लो, इंडियन पॉलिटी का जुगाड़ हो गया। राजस्थान पॉलिटी के अंदर आपका ध्यान रखना, राजस्थान पॉलिटी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान पॉलिटी के अंदर बेटा आपको सबसे पहले तो मूल चीज याद रखना, राजस्थान स्पेसिफिक पर जोर देना है, राजस्थान स्पेसिफिक पर जोर देना है, ठीक है। मतलब क्या है सर, जैसे आपने राज्यपाल पढ़ लिया, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिया, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, स्पेशल राजस्थान के, राजस्थान के कितने राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हो गया, राजस्थान के महिला राज्यपाल कितनी है, राजस्थान से रिगार्डिंग कितने राज्यपाल के टाइम पे आपातकाल लगा, हर टॉपिक के लास्ट में 1.5 से 2 पेज का मैं मैटर बताता हूँ। राजस्थान स्पेसिफिक पर जोर देना है, और यहां पर भी आपको क्या करना है, किसी अच्छी बुक को पढ़िए या फिर मेरे नोट्स ले लीजिए, अंकुर सर के पॉलिटी के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके साथ साथ में पिछले 2 से 3 साल में आरपीएससी, ठीक है, याद रखना, आरपीएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं, आरपीएससी के पेपर में पॉलिटी के जो प्रश्न है वो आप अच्छे से देख लीजिए, इससे आपके पॉलिटी का भी काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का भी बता दिया है, राजस्थान पॉलिटी का भी बता दिया है, ठीक है, और जल्द ही मैं आपके लिए पॉलिटी से रिगार्डिंग क्लास लेकर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना आप अगर क्लास चाहते हैं तो। चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी होली चल रही है, तो होली के उपलक्ष्य में क्लास 24 आपके लिए लेकर आया है महा ऑफर। हमारे सारे कोर्सेज के अंदर आपको 20% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड होली20 यूज करना है। इसको यूज करके आप क्लास 24 का कोर्स ले सकते हैं। हमारा विजयी भव बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपको EORO का पूरा पार्ट ए और पार्ट बी करवाया जा रहा है, पालिका बैच में पार्ट बी कराया जा रहा है, ठीक है बच्चों। फिर मुलाकात होगी, अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। राधे राधे। Thank you.